ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उन्नाव में जमीन मुआवजे को लेकर कुछ दिन पहले हुए बवाल को तो आपने देखा ही था और ये बवाल आपको याद भी होगा, जिसमें उन्नाव पुलिस किसानों पर बर्बरता से लाठीचार्ज कर रही थी और कई किसान इसमें जख्मी हुए थे। इस कांड पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना भी साधा था और ट्वीट कर कहा था कि किसानों पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले योगी सरकार देखे कि उनकी पुलिस का हाल कैसा है। उन्नाव में एक किसान लाठियां खाकर अधमरा पड़ा है, उसको और मारा जा रहा है, शर्म से आंखें झुक जानी चाहिए। लेकिन हम आपको उन्नाव कांड का अनदेखा सच दिखाने जा रहे हैं। बता दें, ये उन्नाव कांड का पहला वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक किसान जमीन पर अधमरी हालत में पड़ा है और पुलिस उस पर लाठियां बरसा रही है। लेकिन जो आपको वीडियो में दिख रहा है वो इस घटना का पूरा सच नहीं है। सच जानने के लिए आपको दूसरा वीडियो भी जरूर देखना चाहिए। तो बेसुध दिख रहा है ये शख्स जो जमीन पर लेटा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस उस पर लाठियां मारती हुई साफ तौर पर दिख रही है। ये पहला वीडियो है, इसको समझने के लिए हम आपको दूसरा वीडियो भी दिखाएंगे। अब जरा ध्यान से उन्नाव कांड का ये दूसरा वीडियो देखिए जो आपकी आंखें खोल देगा। पहले वीडियो में जो शख्स जमीन पर अधमरा पड़ा दिख रहा था वो अचानक उठकर दौड़ने लगता है और दौड़ता हुआ भाग खड़ा होता है। तो क्या वो शख्स जख्मी होने का नाटक कर रहा था? हैरानी इस बात की है कि जिस वीडियो को प्रियंका गांधी ने टैग करते हुए योगी सरकार की खिंचाई की थी, उन्होंने भी अब ये वीडियो देखकर वो ट्वीट डिलीट कर दिया है। तो ये है दूसरा वीडियो जिसमें वो शख्स जो अधमरा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था वो उठता है और भागने लगता है। ये जिस तरह से इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि शख्स दौड़ दौड़ कर पहले अधमरी हालत से उठकर भाग रहा है, ये कहीं ना कहीं एक कॉमेडी फिल्म जैसा जरूर समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं। जिस तरीके से शख्स पहले अधमरी हालत में लेटा हुआ था वो दूसरी वीडियो में वहां से उठकर भाग, ये देखिए ये पहला वीडियो है जिसमें शख्स अधमरी हालत में लेटा हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद ऐसा दिख रहा है कि पुलिस बेरहमी से उसके ऊपर लाठियां बरसा रही है। ये पहला वीडियो, और तुरंत इसके बाद हम आपको दूसरा वीडियो दिखा रहे हैं। आप देखिए वही शख्स जो लेटा हुआ था वो उठकर भागने लगता है। तो नाव कांड का संपूर्ण सत्य आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहले वीडियो में पुलिस की छवि धूमिल करने की कोशिश भी की गई और कहीं ना कहीं ये बात सामने आई कि किस तरीके से अधमरे पड़े व्यक्ति के ऊपर पुलिस लाठियां बरसा रही है। लेकिन दूसरी वीडियो इस पूरे सीन को कॉमेडी सीन बना देती है, जहां पर वही शख्स जो अधमरी हालत में पड़ा हुआ दिख रहा था और लोगों की सहानुभूति व्यक्त हो रही थी उनके ऊपर, लोग कह रहे थे, पुलिस के ऊपर तमाम सवाल खड़े कर रहे थे कि किस तरीके से पुलिस एक अधमरे पड़े शख्स के ऊपर लाठियां बरसा सकती है, वहीं दूसरी वीडियो में वो शख्स उठकर भागता हुआ नजर आता है। और जब ये वीडियो प्रियंका गांधी ने देखा तो उन्होंने भी अपना ट्वीट डिलीट कर दिया।